हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन। गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही शानदार प्लान लेकर आए हैं, जिस प्लॉट का साइज है आपका 35 फीट बाई 60 फीट, जो कि गाइस आपका 4 BHK है। और इसमें आपको 3 लैंड वॉक्स दिए गए हैं, जिसमें आपका है 2 अटैच्ड है एंड 1 कॉमन है, ठीक है गाइस। और इसमें आपको टेम्पल से लेके स्टेयर केस, कार पार्किंग, गार्डनिंग और ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, हॉल एंड 3 रूम बेडरूम जो है आपके मिलने वाले हैं। तो गाइस काफी अच्छा प्लान आज का होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो स्टार्ट। सो सबसे पहले इसको टॉप व्यू में करते हैं। ये टॉप व्यू आपका रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इस तरह से आप रोड पे हैं, तो रोड से आप देख सकते हैं ये आपकी आउटर वॉल रहेगी। यहाँ से आपको मेन गेट की एंट्री मिलने वाली है, जो कि एंट्री हमने आपकी 8 फीट की रखी है। आप अगर चाहें तो 10 फीट भी रख सकते हैं, कि काफी एरिया है यहाँ पे है ऑलरेडी। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे कार पार्किंग रह जाएगी, जो कि आपकी एकदम बहुत ही स्पेशल कार पार्किंग रहने वाली है, जिसका काफी अच्छा साइज है। दो गाड़ियां भी पार्क हो जाएंगी यहाँ पे, छोटी छोटी गाड़ियां भी पार्क हो जाएंगी गाइस। तो इसका साइज है 13 फीट बाई 20 फीट 4 इंच। और ये जो जगह आप देख सकते हैं, ये सिर्फ यहां तक है 13 फीट, यहां से आपकी यहां तक 3 फीट 10 इंच जगह भी मिल जाएगी, क्योंकि गाइस यहां से आपका जो स्टेयर केस है स्टार्ट होगा, ये अपवर्ड जाएगा और यहाँ पे ये लैंडिंग पड़ेगी, लैंडिंग से ये आपका फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा। तो इस तरह से ये क्लॉकवाइज है। तो आपको स्टेयर केस का प्रोविजन बता दें कि इसका आपका जो भी स्टेयर केस का चौड़ाई है वो 3 फीट है, और एंड प्रत्येक ट्रेड की जो है वो ट्रेड आपकी 10 इंच की है, एंड ये आपकी जो लैंडिंग है इसकी चौड़ाई लंबाई 3 फीट बाई 6 फीट 10 इंच है, ठीक है। और गाइस इसके स्टेयर केस में जो वेंटिलेशन या लुक वाइज के लिए जो आपका एक्सटीरियर का काम किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे फुल्ली ग्लास विंडो का प्रोविजन रखा गया है। सो गाइस ये आपको किस तरह से कैसा पसंद लगेगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो इस तरह से आप यहाँ से एंट्री बाद में देंगे, सबसे पहले यहाँ से एंट्री करते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से प्लांटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे प्लांटिंग के लिए ये आपको ग्रीन एरिया दिया गया है, जो कि आपका 6 फीट का है, तो 3 फीट का यहाँ से रास्ता रहने देना, बाकी ये 3 फीट तक आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका ड्राइंग रूम है वहां पे एंट्री मिलती है, यहाँ पे गेट दिया गया है। ड्राइंग रूम का साइज आपका काफी बेहतर है, यानी 13 फीट बाई 14 फीट का है, काफी बड़ा साइज है, जो आपको एक अटैच लैंड वॉक में इधर से मिलता है। और इस अटैच लैंड वॉक का साइज है आपका 5 फीट बाई 6 फीट। इसका वेंटिलेशन आउटसाइड में दिया गया है इस तरह से। और गाइस इसमें वेंटिलेशन के लिए आपको ग्रीन एरिया की साइड में एक विंडो मिलता है। जी हाँ गाइस, इस तरह से विंडो यहाँ पे लगा सकते हैं, और इस तरह से आप सोफा वगैरह अपना जो भी सेटअप करना चाहे इधर कर सकते हैं, एंड इस साइड अपना जो भी टीवी वगैरह लगाना चाहते हैं LCD वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस अंदर डाइनिंग एरिया में आपको जाने के लिए यहाँ पे आपको एक आर्क टाइप में फुल्ली खुला हुआ ओपन डोर मिलेगा, जो आप ओपन भी रख सकते हैं एंड क्लोज भी कर सकते हैं। इसमें एक और विंडो दिया गया है, जो कि आपकी स्टेयर केस की साइड में है, जो काफी अच्छा वेंटिलेशन इधर से भी प्रोवाइड कराएगा। जी हाँ गाइस, अब नेक्स्ट जो ओपनिंग है आपकी, ये तो फर्स्ट हो गई, यहाँ से आप अपने ड्राइंग रूम में जाएंगे, यहाँ से आप डाइनिंग में भी चले जाएंगे, और यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो सीधा आएगा जो भी गाइस। तो आप वो अगर सीधा जाना चाहे अपना डाइनिंग हॉल में, तो यहाँ से जाके सीधा जा सकता है। इस तरह से आप एक मेन गेट भी दिया गया है, जिसके साथ में अटैच्ड विंडो दिया गया है, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन इस अपना डाइनिंग एंड हॉल में होता रहेगा। आपकी नेक्स्ट एंट्री है
वो सामने ही आपका जो बेडरूम है, यहाँ से डायरेक्ट बेडरूम में जा सकते हो। बेडरूम का जो साइज है आपका 13 फिट बाई 13 फिट है, एंड इसके साथ अटैच जो है विंडो दिया गया है। ये आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है, मास्टर बेडरूम या गेस्ट बेडरूम भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें अपना सेटअप कर सकते हैं। एंड आपको डाइनिंग हॉल में जाने के लिए भी इसमें एक डोर दिया गया है ये वाला, ठीक है गाइस। ये आपका डाइनिंग हॉल है पूरा यहाँ से यहाँ तक, जो कि काफी बड़ा है गाइस। इसका साइज टोटल आपको बता देंगे 20 फिट 2 इंच बाई 23 फिट 6 इंच का है, जो कि ये यहाँ से इतना पूरा लिया गया है, ठीक है गाइस। काफी काफी बिल्डिंगों में तो इतना का तो प्लॉट ही होता है, तो इतना बड़ा इसमें डाइनिंग एंड हॉल हुआ है, तो जान सकते हैं सोच सकते हैं काफी बड़ा होगा। इसमें आपको एक टेम्पल दिया गया है जिसका साइज 6 फुट बाई 5 फुट है। आप चाहो तो इस तरह से अपने हॉल में एक टेम्पल बनवा सकते हो, या अगर ना बनवाना चाहो तो ये पूरा एरिया आपके यूज में आने वाला है। इसमें गाइस आपको एक ओपन किचन मिलने वाला है। ओपन किचन मींस ये आपका क्लोज नहीं रहेगा, नो डोर कोई भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इसमें एल शेप में एक स्लेब डाल दी जाएगी, कास्ट की जाएगी इस तरह से, और इधर साइड में आपको एक जो भी अपना सेटअप करना चाहो फ्रिज व्रिज का वो सेटअप हो जाएगा। किचन का साइज आपका 13 फिट बाई 10 फिट 2 इंच है, जो कि गाइस काफी बड़ा है, एकदम एक रूम कितना बड़ा है, जो कि काफी अच्छा लगेगा, एकदम लग्जरियस रहेगा। नेक्स्ट है आपका बेडरूम जिसका साइज है 13 फिट बाई 14 फुट, तो इसमें भी काफी बड़ा साइज है इसका गाइस, 13 फिट बाई 14 फिट का है। इसमें एक अटैच लेट बाथ ने दिया है जिसका साइज आपका 6 फिट 10 इंच बाई 5 फिट है। इस तरह से इसमें एक वेंटिलेशन के लिए ओटीएस में वेंटिलेटर दिया गया है, जो कि आपका 2 फुट का है। एंड इस रूम के वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया हुआ है, ठीक है गाइस, जो कि 3.25 फुट का विंडो है। इसमें आपका जो ओटीएस का साइज है वो 6 फुट 10 इंच बाई 3 फिट 4 इंच का है। तो इस तरह से अगर यही इसमें एक वार्डरोब के लिए भी प्रोविजन दिया गया है, इस तरह से यहाँ पे वार्डरोब भी अपना लगा सकते हैं। अब यहाँ से जब हम बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक कॉमन लाइट बाथ दिखेगा, यहाँ से कॉमन की एंट्री है लाइट बाथ की। तो इसके वेंटिलेशन के लिए आपको ओटीएस में मिलेगा, जो ओटीएस में एंट्री भी यहाँ से कर सकते हैं, इसको एज अ वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। तो इसका साइज भी आपका सेम है 6 फिट 10 इंच बाई 5 फिट, जी हाँ गाइस। नेक्स्ट आप बेडरूम में जब जाएंगे तो इसका भी साइज आपका सेम इस बेडरूम कितना है, इसका साइज 13 फिट बाई 14 फुट है। इसमें भी वार्डरोब है एंड सेम प्रोविजन आपके बेड का रखा गया है, और इसमें भी वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया गया है। ये ओटीएस का मतलब गाइस ओपन टू स्काई होता है, इसमें स्लेब नहीं कास्ट होती है। तो गाइस आई होप ये प्लान आपको काफी अच्छा लगा होगा। एक बार इसको जूम आउट करके दिखा देते हैं, इस तरह से ये आपका पूरा प्लान दिखने वाला है। तो आपको अगर ये प्लान अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा और भी उत्साह बनेगा आपके लिए ऐसे ही क्रिएटिव प्लान्स लाने के लिए। तो गाइस इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से डिजाइन किया गया है, ये बनाया गया है। तो लुक वाइज कितना बढ़िया लग रहा है वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारे चैनल पर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे कि इससे भी अच्छे जो भी हम प्लान डिजाइन करके अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप हमारे सारे वीडियो वॉच कर सकें, जिनसे कुछ न कुछ आपको नॉलेज अवश्य मिलेगी। जो भी आप अपना बिल्डिंग डिजाइन करवाना चाहते हैं वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। आपको जो भी कांटेक्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जोश जुनून के साथ। जय हिंद दोस्तों।